आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने अपने इलाके के सबसे खतरनाक जानवर है, जिनमें एक तरफ समुद्रों के सबसे खतरनाक शिकारी किलर वेल है और दूसरी तरफ अफ्रीका के खतरनाक दरियाई घोड़े। क्या होगा अगर ये दोनों जानवर आपस में लड़ते हैं, तो कौन सा जानवर जीतेगा और क्यों जीतेगा, वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। वैसे तो किलर वेल डॉल्फिन प्रजाति का जानवर है, लेकिन उसका नाम किलर वेल पड़ा क्योंकि वो वेल मछली का शिकार करती है। किलर वेल को ओर्का के नाम से भी जाना जाता है। किलर वेल दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत और क्यूट सा जानवर लगता है, लेकिन खतरनाकपन के मामले में वो किसी ग्रेट वाइट शार्क से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि किलर वेल कभी कभी इन ग्रेट वाइट शार्क का भी शिकार करती है। और दूसरी तरफ अगर हम दरियाई घोड़े की बात करें, तो वैसे तो वो मांसाहारी नहीं होते, लेकिन किसी दूसरे जानवर को मारने में वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। वैसे तो अफ्रीका में खतरनाक जानवरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाओगे कि अफ्रीका में हर साल सबसे ज़्यादा इंसान किसी शेर या तेंदुए द्वारा नहीं मारे जाते, जबकि दरियाई घोड़े द्वारा मार दिए जाते हैं। दरियाई घोड़े गुस्सेल स्वभाव के जानवर हैं। ये ऐसे जानवर हैं जिन्हें अगर आप परेशान ना भी करो तो भी ये आप पर हमला कर सकते हैं। इन्हें अपने इलाके में किसी दूसरे जानवर की आवाजाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खतरनाक मगरमच्छ वाले पानी में भी ये दरियाई घोड़े बड़े आराम से रहते हैं। कई बार तो मगरमच्छों को उस पानी को छोड़कर भी जाना पड़ता है जहाँ पर ये दरियाई घोड़े घुस जाते हैं। दरियाई घोड़े अफ्रीका के जंगलों के छोटे तालाबों और नदियों में रहते हैं, लेकिन किलर वेल दुनिया के लगभग सभी महासागरों में पाई जाती है। इनकी सबसे ज़्यादा आबादी आपको उत्तरी प्रशांत महासागर में मिलेगी। किलर वेल अपने इलाके के टॉप शिकारी है और किलर वेल का कोई दूसरा जानवर शिकार नहीं करता, इसीलिए ये समुद्रों में अपेक्स प्रीडेटर है। मतलब दोनों जानवर खतरनाकपन के मामले में किसी से कम नहीं है। चलिए इनके आकार के बारे में बात करते हैं कि आखिर में ये दोनों जानवर कितने बड़े हैं। ये दोनों जानवर हम इंसानों से तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। किसी दरियाई घोड़े की लंबाई 4 से 5 मीटर तक होती है, जबकि किलर वेल की 6 से 8 मीटर, और किसी दरियाई घोड़े का वज़न लगभग 2000 किलो के आसपास होता है, लेकिन किलर वेल का वज़न लगभग 6000 किलो तक होता है। किलर वेल दरियाई घोड़े से दुगने से भी ज़्यादा बड़ी है, और अगर इन दोनों जानवरों की बाइट फोर्स की बात करें तो दरियाई घोड़े का बाइट फोर्स लगभग 1800 PSI के आसपास होता है, जबकि किलर वेल का लगभग 19000 PSI। काटने के मामले में किलर वेल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वैसे यहाँ पर कोई शक की बात नहीं है कि किलर वेल का बाइट फोर्स इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि किलर वेल जो है वो ग्रेट वाइट शार्क और ब्लू वेल जैसी मछलियों का शिकार करती है, जो कि कोई आम बात नहीं है। किलर वेल समंदर के उन भयानक शिकारियों में से एक है जो अपने सामने आने वाले किसी भी जीव को मारने में सक्षम होते हैं। तो क्या लगता है आपको, अगर किलर वेल और दरियाई घोड़ा आपस में लड़ते हैं तो कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से किलर वेल की जीत होगी, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप किलर वेल को अच्छे से जानते हो तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही पता चल गया होगा कि कौन जीतेगा। किसी जानवर के जीतने के चांस उसके खतरनाकपन पर डिपेंड नहीं करते, वो डिपेंड करता है कि जानवर किस तरीके से लड़ रहा है और वो कितना सातिर है। दरियाई घोड़े खतरनाक है क्योंकि दरियाई घोड़े गुस्सेल स्वभाव के होते हैं और वो बिना बात के किसी दूसरे जानवर पर हमला कर देते हैं। उन्हें दूसरे जानवरों का ना तो कोई मांस चाहिए और ना ही दूसरे जानवरों से उनकी दुश्मनी होती है, वो बस मज़े के लिए दूसरे जानवरों को मार देते हैं। इसीलिए दरियाई घोड़े सिर्फ मारने पर ध्यान देते हैं, बल्कि उनके शिकार करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम किलर वेल की बात करें तो वो एक डॉल्फिन प्रजाति की मछली है, और आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि डॉल्फिन दुनिया की सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक है। उन्हें पता है कि सामने वाले को किस तरह से मारना है। किलर वेल बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान जानवर है, और उनकी सबसे खतरनाक बात वो झुंड में रहती है, और उनके झुंड में हर एक सदस्य एक अलग पद पर होते हैं, उन सब का काम अलग अलग होता है। इनके इन्हीं संगठन की वजह से किलर वेल अपेक्स प्रीडेटर है। ज़्यादातर समय किलर वेल अपने शिकार को मारने के लिए पहले उसे चारों तरफ से घेर लेती है और फिर पानी में एक साथ जोरदार प्रहार करती है।
जिससे दूसरे जानवर घबरा जाते हैं और कुछ देर के लिए वो अचेत हो जाते हैं, और फिर किलर व्हेल उसी समय तुरंत शिकार पर हमला करके उसका शिकार कर लेती है। अभी अगर हमें दरियाए घोड़े और किलर व्हेल को लड़वाना है तो या तो किलर व्हेल को अफ्रीका की नदियों में लाना पड़ेगा या फिर दरियाए घोड़े को समुद्रों में ले जाना पड़ेगा। दरियाए घोड़े बहुत ही धीरे तैरते हैं और वो अचानक से मूवमेंट नहीं ले सकते, लेकिन किलर व्हेल उनके चारों तरफ घूमकर किसी भी दिशा से दरियाए घोड़े पर हमला कर सकती है। और फिर मुझे नहीं लगता कि 19,000 PSI बाइट फोर्स से दरियाए घोड़ा बच पाएगा। किलर व्हेल कुछ ही देर में दरियाए घोड़े के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। वैसे किलर व्हेल को दरियाए घोड़े का मांस पसंद है या नहीं ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों जानवरों को एक ही पानी के इलाके में लाया जाए तो किलर व्हेल दरियाए घोड़े पर हमला करने में बिल्कुल भी नहीं चूकेगी, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि किस कदर किलर व्हेल समुद्री किनारों पर आकर दूसरे जानवरों का शिकार करती है। किलर व्हेल का मुकाबला शायद ही कोई जानवर कर सके, क्योंकि किलर व्हेल के पास शारीरिक ताकत तो है ही, उसके साथ साथ दिमागी ताकत भी, और जिस किसी जीव के पास ये दोनों ताकत होती है उसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। हालांकि मैं मानता हूँ कि दरियाए घोड़े भी किसी खतरनाक हत्यारे से कम नहीं है, लेकिन वो सिर्फ खतरनाक यहाँ अफ्रीका के दूसरे जानवरों के लिए हो सकते हैं, लेकिन किसी किलर व्हेल के लिए नहीं। मुझे किलर व्हेल को दरियाए घोड़े से लड़वाना ही नहीं चाहिए था। किलर व्हेल बहुत ही खतरनाक और ताकतवर शिकारी है। दरियाए घोड़े को एक ग्रेट व्हाइट शार्क भी मार सकती है। ग्रेट व्हाइट शार्क के पास भी बहुत खतरनाक जबड़े हैं और उनके शिकार करने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। दरियाए घोड़े में बस एक ही कमी है, वो पानी में ज़्यादा रफ्तार से मूवमेंट नहीं ले सकते, और दरियाए घोड़े पूरी तरह से पानी पर डिपेंड नहीं होते, वो ज़मीन पर भी रहते हैं, जबकि ग्रेट व्हाइट शार्क मछलियाँ पानी की माहिर शिकारी है। इसीलिए इन दोनों मछलियों से लड़ना दरियाए घोड़े के लिए खतरनाक साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और आपकी क्या राय है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा।